bells and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst. Guys, I am gonna eat. Julepadui! तो सुबह हुई है, ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। आज हम छोले भटूरे खाएंगे, क्योंकि कल साउथ इंडियन खाया था तो उसकी जो पूरी थी हिम्मत यार मेरे छोले मिसिंग है उसमें से। सो ये रेस्टोरेंट का नाम है बीकानेर वाला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जल्दी से तैयार होके हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि आज मेरे हस्बैंड के ब्रदर आएंगे यहाँ पर दुबई, तो हमें उनको पिक करने के लिए जाना है शारजाह। एंड हम आज गाड़ी पिकअप करेंगे, आज हम गाड़ी पिक करने वाले हैं, खुद से ड्राइव करने के लिए कार रेंट की है हस्बैंड ने। सो वो भी मुझे लग रहा है उन्होंने शारजाह से की है। एंड सो उससे पहले हमने सोचा कि कुछ अच्छा खा लेते हैं। यहाँ पे फूड का बहुत ही मज़ा है, बिल्कुल इंडिया जैसा है। और जो कैनेडा में इतने सालों से रहे उसको फूड का सबसे ज़्यादा होता है कि यू नो स्वादिष्ट फूड खाएँ। तो आज हमने ये बीकानेर वाले रेस्टोरेंट ढूंढा है, उसमें हम खाने वाले हैं चना भटूरा, क्योंकि हिम्मत को बहुत पसंद है। मैं भी चना भटूरा खाने वाली हूँ। हस्बैंड मुझे लग रहा है आलू पराठा खाएंगे। एंड हम हिम्मत के लिए मैंने जूस भी लिया है एंड हमारे लिए चाय। एंड यू नो अभी समय 9 के करीब है एंड लोगों ने चाय खानी शुरू भी कर दी है, राज कचौड़ी एंड ऑल। मेरा भी मन कर रहा है झूठ बोलने, बाद में खाएंगे। So this is Himmat, my son. He's very excited to eat chole bhature. Yaar ye tu apne chole bhature sare chori karengi. Kha ke dakh. Kafi zyada swadisht hai. I like it. ओके, सो हमने खाना खा लिया है और ये बहुत ही पॉपुलर है। हमारे दोस्तों ने कहा कि उनको बहुत अच्छा लगता है ये फिली। और यहाँ पे हिम्मत है, दैट्स मी, एंड हस्बैंड गए हैं अपना थोड़ा जा कलाकारी बनाने के लिए, अपने हेयर कट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और बहुत अच्छा शेड है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर बैठ लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है तोड़ तोड़ के मैं इधर उधर जाऊँ। और आज वैसे दिन अच्छा है, कल जितना गर्म नहीं है, हवा भी चल रही है। सो मैं यहाँ से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ ताकि यहीं पर बैठे रहूँ, आइस टी पी लेते हैं। सो मैं अपने लिए आइस टी ऑर्डर करने वाली हूँ। नाइसली डन अगली खीरी। ओके, सो दिस इज माई खीर डॉलर इन अ डिफरेंट कंट्री। कैन यू सेव इट? Why? It's a money. I love saving. Can you save even more? Yeah. Like, can you save it more than your life? Yeah, I want to buy something can with my money. Okay, so मैंने अपने लिए ऑर्डर की है आइस कॉफ़ी। मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं है पर ना मैं फ्रेश नहीं फील कर रही क्योंकि ना आई थिंक जेट लैग, क्योंकि पूरा दिन एंड रात का फ़र्क है। एंड अब क्योंकि बॉडी रेस्ट में होती है तो बॉडी बहुत टायर्ड फील कर रही है, पर मैं अच्छी, मुझे लग रहा है कि मैं सोई हूँ 6-7 घंटे तो आराम से सोई होंगी। एंड हिम्मत यहाँ पे है एंड हस्बैंड वहाँ किसी स्टोर में है अपने अपने हेयर कट एंड दाढ़ी दूढ़ी के लिए। एंड तब तक हम यहाँ पे बैठ सकते हैं और बहुत अच्छी ब्रीज है। हिम्मत पिएगा पीच आइस टी एंड मैं पीने वाली हूँ आइस कॉफ़ी। एक्चुअली मैं वनीला फ्लेवर लेना चाहती थी पर उनके पास खा रही है, सो ये वाला ले लिया मैंने। एंड उसके बाद ओके, सो हमें गाड़ी पिक करनी है 12 बजे शारजाह से। एंड फिर अब हम यहाँ से टैक्सी लेके दुबई से वहाँ पे जाएंगे, देन गाड़ी पिक करेंगे, देन थोड़ा वहाँ पे समय स्पेंड कर लेंगे। एक दो चीज़ें हम देखना चाहेंगे क्योंकि हस्बैंड के ब्रदर आएगा
आई थिंक 6:30-7 बजे के करीब शाम को, और उसके बाद थोड़ा घूम घूम के डिनर करके घर आके जल्दी सो जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि कल हम यहाँ से चेकआउट करके किसी और होटल में जाने वाले हैं, हयात और आयन। कल यहाँ से चेकआउट करके किसी और होटल में जाएंगे, और हमारे पास 3 पूरे दिन है। इसके बाद हमारे पास 3 और पूरे दिन है यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। और हम अबू धाबी में मास्क देखने के लिए भी जाना चाहते हैं। फ्यूचर म्यूजियम है यहाँ पे एक बहुत ही, एंड आजकल मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया साईफाई चीज़ों का, वो मैं देखना चाहती थी, पर उसकी बुकिंग आई थिंक 3 वीक्स एडवांस में चल रही है, ऑलरेडी बुक्ड है। सो जब हम वापस आएंगे रास्ते में, हम फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 दिन स्पेंड करने वाले हैं, तो उन 2 दिनों में एक दिन हम ये म्यूज़ियम की टिकट्स ऑलरेडी बुक कर लेंगे, क्योंकि उसे मैं ज़रूर से देखना चाहूँगी। क्योंकि हम प्रिटी मच इंटरेस्टेड इन फ्यूचर दीज डेज, पहले नहीं मैंने अच्छा लगता था, बट नाउ आई रियली लाइक इट। सो यस, आईज मेरी बहुत थक रही है एंड बॉडी भी ना जवाब दे रही है दोस्तों। उम्र रहते आपको ट्रैवल कर लेना चाहिए, अगर आप समय पर ट्रैवल ही ना करते तो मैं ज़्यादा नहीं आप कर पाएंगे। ओके, रो नहीं रही हूँ मैं, मुझे एलर्जीज भी हो गई है, आई डोंट नो व्हाई। हिम्मत इस पे थोड़ी और ज़्यादा रोशनी डालेगा। कौन आए? सो हमने हस्बैंड के भाई को पिकअप कर लिया है, बट उसके बाद मैंने वीडियो शूटिंग की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम वो आएगा 6:30 के करीब, पर वो आ गया था 2:30 बजे। तो हमने जब गाड़ी पिक की तो हम हस्बैंड ने कहा एयरपोर्ट पे ही वेट कर लेते, क्योंकि हमारी गाड़ी पिकअप भी एयरपोर्ट पे ही थी। तो भाई की जो फ्लाइट थी वो पूरे समय पे थी, तो हमने वहीं पे वेट किया और कुछ नहीं किया उस दौरान। मैंने कुछ शूटिंग किया, पर उसे भी भूख लगी थी एंड हमें भी। सो वहाँ पे 2 लड़के थे बहुत ही प्यारे से पाकिस्तानी, वहाँ पे काम कर रहे थे ना एयरपोर्ट में किसी शॉप पे, मोबाइल शॉप पे। तो उन्होंने हमें कहा कि जब उनको कहीं जाना होता है ना अच्छा मील खाने के लिए, तो वही शारजाह में ये अल नवाब करके रेस्टोरेंट है, कह रहे हम हमारी बर्थडे पार्टीज यहीं पे करते हैं। तो हम यहाँ पे खाना खाने के लिए गए, खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था यहाँ का। ओके, सो पति जा रहे हैं पाकिस्तान स्वीट्स। पाइनएप्पल वाली पेस्ट्री में है ना, तू ना ज़्यादा बॉसी बैंड ना मानो। सो बहुत तो एक ही खाने पाकिस्तानी बेकरी तो। I'm gonna try this jalebi. Okay. हिम्मत, what you gonna try? I don't wanna try anything else. Okay, so हम लोग पहुँच चुके हैं पाकिस्तानी स्वीट्स में और हम लोग खाने वाले हैं जलेबी। हाँ जी। सो हमने लिए पाकिस्तानी स्वीट से जलेबी, क्योंकि मुझे किसी ना फॉलोअर ने कहा था कि हमारी जलेबी खा के देखना बहुत अच्छी होती है। दोनों पंजाबा की सेम ही होंगी है मैंने लगा, यार ट्राई कर रहे हैं। बड़ी क्रंची है ना, गर्म नहीं है पर बहुत क्रंची एंड बहुत फ्लेवरफुल, फ्लेवरफुल की है, मिठी है पर यहाँ क्रंच एंड पतली है। ओके, सो हस्बैंड ने सोचा था कि रूम में जाके थोड़ा फ्रेश होके बाहर जाएंगे इस जलेबी के बाद दुबई जाके, पर हमने इतना ज़्यादा खा लिया और इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि बहुत अर्ली उठे थे। तो हम तीनों मुझे लग रहा 9:00 बेड पे चले गए एंड हमारी जो जाग है, नींद है, वो सुबह 4-5 बजे खुली। सो व्लॉग को एंड नहीं कर पाई मैं, पर जुड़े रहिए, कल नया व्लॉग आने वाला है। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड बेल को क्लिक कर देना एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो। एंड अपना ख्याल रखें दोस्तों, मैं मिलती हूँ जल्दी ही। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय।